हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हमारे सामने हुंडई ओरा, ये SX वेरिएंट है। आज हम बात करेंगे इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसके प्राइस एंड इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका एक्चुअल प्राइस है 8,09,000 रुपये और इसका ऑन रोड प्राइस है लगभग 9,10,000 रुपये इन दिल्ली। और अगर आप CNG वेरिएंट लेते हो तो उसमें एक लाख और जोड़ लेना। तो अभी इस प्राइस पॉइंट पे क्या फीचर्स ऑफर करते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कीज़ की बात करें तो आपको यहाँ पे स्मार्ट कीज़ मिल जाती है। इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे लॉक अनलॉक एंड होल्ड बूट अनलॉक के बटन। इसके अराउंड आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल जाएगी और एक कीज़ आपको यहाँ पे ब्राउन फिनिश में मिल जाती है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम क्रोम फिनिश भी दी गई है। दोनों यहाँ पे स्मार्ट कीज़ मिलेंगी। और अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लिक डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। वेल, काफ़ी बढ़िया फ्रंट एंड देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे हुंडई ओरा का। फ्रंट में हेडलैम्प्स की बात करें, हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे आई लैशेज की शेप में मिल जाते हैं। और इसके ऊपर आपको यहाँ पे मतलब हेडलैम्प्स रिफ्लेक्टर बेस मिलेंगे। पूरा सेटअप यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड है। इसके अराउंड आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश में मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पे एयर कर्टन्स मिल जाएंगे। इसके ऊपर आपको यहाँ पे DRS मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की ग्रिल देखने को मिल जाएगी जो कि आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाती है। मतलब प्योर ग्लोज ब्लैक नहीं है लेकिन हाँ, पूरा मैट फिनिश भी नहीं है। काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे इसका थीम देखने को मिलेगा और डिज़ाइन में भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ग्रिल ऊपर आपको यहाँ पे हुंडई का लोगो मिल जाता है जो कि सिल्वर फिनिश पे दिया गया है। और जो ये बोनट है ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है। मतलब कुछ गाड़ी होते हैं कि सिंपल स्मूथ बना देते हैं ये बोनट, बट इसमें आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टाइल देखने को मिल जाता है। और अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लुक्स देखने को मिल जाते हैं। वेल, साइड प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे जो बॉडी लाइन दी हुई है साइड प्रोफाइल में, ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा शार्प भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया लुक्स देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे साइड प्रोफाइल से भी। व्हील्स की बात करें, व्हील्स में आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन में देखने को मिले, मतलब डायमंड कट भी है और इसके ऊपर आपको यहाँ पे ग्रे फिनिश भी देखने को मिल जाती है। हाँ, तो व्हील्स के साइज़ की बात करें तो आपको यहाँ मिल जाते हैं 175/60R15 के टायर्स, 15 इंचेस के मिलेंगे आपको यहाँ पे व्हील्स। और टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे ORMs पे दिए गए। ORMs आपको यहाँ पे बॉडी कलर मिल जाएंगे और डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं। इसके ऊपर आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। एंड B पिलर आपको यहाँ पे मैट फिनिश में मिलेगा और C पिलर यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश में दिया गया ओरा पे, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड ऊपर आपको यहाँ पे शार्क एंटीना मिल जाता है। बैक प्रोफाइल की बात करें, बैक प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल जाता है। जो इस पे स्पॉइलर दिया गया ये उसके लुक्स को और भी ज़्यादा तगड़ा बना देता है। मतलब आप देख ही सकते हैं, आप जो स्पॉइलर होते हैं गाड़ियों के लुक्स को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं। टेल लैंप्स की बात करें, टेल लैंप्स आपको यहाँ पे LED बेस मिलेंगे बट आपको बाकी लाइट्स सारी रिफ्लेक्टर में मिलेंगी। हालांकि लुक में आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं टेल लैंप्स। और ये स्प्लिट टाइप भी दिए गए और इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है जो कि और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। नीचे आपको यहाँ पे कुछ कनेक्टेड क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिल जाती है की बैजिंग, हुंडई का लोगो, हाई स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे स्पॉइलर पे भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा वहाँ पे। और यहाँ पे आपको डिफोगर दिया गया है रियर विंडशील्ड के ऊपर। एंड रियर बम्पर के ऊपर आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे और नीचे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। और इसके बूट की बात करें, बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे की के ऊपर बटन मिलेगा। इसके ऊपर बूट के ऊपर कहीं पे बटन नहीं दिया गया। और इसके स्पेस की बात करें, आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्पेस देखने मिल जाता है। और हमें ये सिलेंडर लगने के बाद भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस बचा हुआ है। अब भी लेफ्ट एंड राइट साइड भी आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है। एंड जो इसके ऊपर बूट है, मतलब इसके ऊपर आपको यहाँ पे किसी भी टाइप की इंसुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ हल्का सा ही कवर कर देते हैं इसको छुपाने के लिए वायर्स वगैरह को, लेकिन ठीक है, अब जैसा भी है। सो चलिए हम देख लेते हैं ओरा का इंटीरियर। सो आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन फिनिश देखने को मिल जाती है। डोर के ऊपर कंट्रोल्स की बात करें, यहाँ पे आप जाएंगे ORMs के कंट्रोल। ORMs आपको यहाँ पे रिट्रैक्टेबल भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आप जाएंगे लॉक अनलॉक बटन। डोर के ऊपर आपको यहाँ पे ऑल पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फीचर, ऑटो अप नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक बटन मिल जाता है। डोर पकड़ने के लिए स्पेस। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिलेंगे। एंड नीचे आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पे आपको पोर्टल होल्डर एंड कुछ स्पेस मिल जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ मिल जाते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, फ्यूल टाइप चेंज करने के लिए बटन। और यहाँ पे आपको हेडलैम्प लाइटिंग स्विच मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको पुश इग्निशन बटन मिल जाए जिसके ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है। और डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड आपको यहाँ पे ट्रिपल फिनिश में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। एंड AC वेंट्स के अराउंड आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक एंड कुछ सिल्वर फिनिश मिल जाती है। जेट शेप्ड मिल जाते हैं आपको यहाँ पे AC वेंट्स। और अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 स्पोक मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग के ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश भी दी गई है। और स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल मिलेगा स्टीयरिंग व्हील, टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं दिया गया।
स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड आपके मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, राइट साइड आपके यहाँ पे MID के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और अभी ये क्लस्टर की बात करें तो आपको यहाँ पे एनालॉग डिजाइन मिल जाता है क्लस्टर, लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा टैकोमीटर, बीच में MID और राइट साइड आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया, जो MID है वो शो कर देती है एक्यूमुलेटेड इन्फो, ड्राइव इन्फो। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर भी दिया गया है और यहाँ पे आपको टायर प्रेशर वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स दी गई हैं। वेल ये तो होगी MID की बात। और इसके लुक्स की बात करें आपको यहाँ पे डिसेंट लुक देखने मिल जाते हैं, इसके दौरान आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल, राइट साइड आपको यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको यहाँ पे 8 इंच की स्क्रीन देखने मिल जाती है। वेल साइज में आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी देखने मिल जाती है स्क्रीन, और जो इसका रिस्पॉन्सिवनेस है स्क्रीन का वो डिसेंट है। मतलब हुंडई काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही है तो इसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी किया है, मतलब काफ़ी अच्छे से काम करती है बता रहा हूँ मैं। मतलब और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं बताने, और एंड्रॉइड ऑटो वगैरह मिल जाता है आपको यहाँ पे, एप्पल कार प्ले वगैरह। और इसके साथ आपको यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स मिल जाएंगे जो कि डिस्ट्रैक्शन को करने में, मतलब कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ड्राइविंग के टाइम। एंड इसके अलावा भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ग्लोज ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। नीचे आपको मिल जाएंगे हज़ार लैंप बटन, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं AC कंट्रोल्स। वेल जो ये AC यूनिट है देखने में तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन है मैनुअल तो आप ये देख लेना। एंड यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे टाइप सी पोर्ट, 12V सॉकेट और एक USB का पोर्ट, मतलब USB A पोर्ट। और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने मिल जाता है सेंटर कंसोल में, काफ़ी बड़े साइज़ का स्पेस दिया गया। एंड यहाँ पे आपको ब्राउन फिनिश भी देखने को मिल जाएगी। गियर लीवर की बात करें, गियर लीवर के ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर एंड ग्लोज ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। वेल जो गियर लीवर है ये भी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और 5 स्पीड में मिलेगी आपको यहाँ पे हुंडई ओरा में। नीचे आपको यहाँ मिल जाएंगे बोतल होल्डर एंड एक छोटा बोतल होल्डर, और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है कॉइन्स वगैरह रखने के लिए, मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है। एंड ऊपर आपको यहाँ पे मैनुअल डिमिंग अरे मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी जो कि हैलोजन बेस्ड है। एंड यहाँ पे आपको माइक दिया गया, और फोर्ड ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है, और ये सनवाइज़र कुछ इतना ब्लॉक कर पाएगा विंडो को। ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी दिया गया। एंड ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिलेगा सिर्फ। एंड यहाँ डैशबोर्ड में कुछ स्पेस मिल जाता है। और ग्लब बॉक्स की बात करें, ग्लब बॉक्स में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का स्पेस देखने को मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और एयर कूल भी है ग्लब बॉक्स। वेल अब सीट्स की बात करें, सीट्स में आपको यहाँ पे फ्रंट सीट्स के हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, दोनों फ्रंट सीट्स यहाँ पे फोर वेज एडजस्टेबल है। और आपको यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है सीट्स के ऊपर, मतलब वैसे तो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, साइड्स में आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगी। सो चलिए हम देख लेते हैं सीट कंफर्ट। रियर डोर के ऊपर आपको मिल जाएंगे पावर विंडो कंट्रोल, डोर पकड़ने के लिए स्पेस, सिल्वर डोर हैंडल। नीचे आपको यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्पीकर मिलेगा। गाड़ी के कैबिन स्पेस की बात करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कैबिन स्पेस देखने मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। लेग रूम एंड नी रूम आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, और जो यहाँ पे जो पैर रखने के लिए स्पेस है यहाँ पे थोड़ा सा स्लांटेड देखने को मिला है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंफर्ट देखने को मिल जाता है। और जो थाई सपोर्ट है ये भी काफ़ी अच्छा दिया गया, मतलब रियर सीट कंफर्ट में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पूरा। और यहाँ पे आपको रियर पैसेंजर्स के लिए सीवेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको 12 सॉकेट मिलेगा नीचे। एंड ऊपर आपको यहाँ पे एक लाइट दी गई है। एंड रियर पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं ऊपर। एंड रियर सीट्स के हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, और रियर सीट्स पे आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और जो सीट है फ्रंट सीट ये आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं ओरा का इंजन पे। सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1.2 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस कर देता है 82 BHP पावर और 113 Nm ऑफ टॉर्क। वेल डीसेंट पावर फिगर्स प्रोड्यूस कर देता है इंजन, और इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और स्मूथ भी है क्योंकि 4 सिलेंडर तो वैसे ही है। वेल ये तो इंजन की बात। ऊपर आपको यहाँ पे बोनट इंसुलेटेड नहीं मिलता। वेल यही सब था गाड़ी में बताने के लिए, और कुछ बाकी रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।